हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा यहाँ हॉस्पिटल है जो मनोरुग्णों को हम भर्ती करते हैं, जिसमें रिश्तेदारों के साथ में हम भर्ती करते हैं। और दूसरा एक हॉस्पिटल है, वहाँ शराबी, नशा जिनको है उनको और मेंटल पेशेंट को बिना रिश्तेदार हम भर्ती करते हैं। आज मैं आपके सामने आने वाला हूं विषय लेके, डिप्रेशन, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना, पहचानना कैसे। डिप्रेशन ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। करीब करीब 5 से 17% लोगों को, आम पब्लिक में, डिप्रेशन की बीमारी होती है। ज्यादातर ये बीमारी, मतलब मेल फीमेल में, पुरुष और महिला, इसमें महिलाओं को ज़्यादा होती है और अप्रॉक्सीमेटली 40 साल के उम्र में यह बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। यदि उदासीनता के या डिप्रेशन के लक्षण कंटिन्यूअस 2 हफ्ते तक है, और मैं अभी जो बोल रहा हूँ लक्षण, उसमें से 5 में से 9 यदि लक्षण है, तो उसको डिप्रेशन है ऐसा माना जाता है। फिर उसको पहचानना कैसे कि इसको डिप्रेशन है करके, क्योंकि हमको रोज के जीवन में भी हमको दिखाई देता है कि भाई लोग बोलते मेरा मूड खराब है, मुझे उदास लग रहा है, निराशा आ गई है, मुझे कुछ समझता नहीं है, मतलब ऐसा लोग आम इसमें भी लोग बोलते रहते हैं। तो वो मूड खराब होना या डाउन लगना वो अलग बात है, वो तो काफी सारे लोगों को काफी सारे समय तक दिन में होता होगा, पर हम ये उसकी बात कर रहे हैं कि 2 हफ्ते तक कंटिन्यूअस कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिससे काम के ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो पेशेंट जो है, वो व्यक्ति जो है, वो सफर करता है, तकलीफ होती है उसको, वो डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं। तो कौन से लक्षण है कि नंबर एक है कि सैडनेस ऑफ मूड, मतलब उसका मूड जो है, भावना वो उदासीनता की रहती है, निराश और हताश रहता है वो। उसको बहुत दुख लगता है, बिना कुछ कारण वो दुखी रहता है, उसको लगता है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा क्या बात का दुख हो रहा है, बहुत उदास लग रहा है, उसको रोना आता है उसकी वजह से, और वो बिना कुछ कारण रोता है। कुछ पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि भाई हमको रोना ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि मैंने रोना चाहिए मगर रोना नहीं आता, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो नंबर दो का है भूख नहीं लगना। तो ये लोगों को भूख नहीं लगती, और भूख न लगने से मतलब खाने में कुछ रुचि नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई टेस्ट नहीं रहती है खाना उनको, मतलब ऐसा ऐसा लगता है कि भाई उसमें कुछ टेस्ट ही नहीं है, और उनका वजन भी घट जाता है। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको ज्यादा भूख लगती है डिप्रेशन में, और ज्यादा भूख लगने से उनका उनको मोटापा आ जाता है, मतलब उल्टा भी होता है। तो भूख नहीं लगना या ज्यादा भूख लगना। फिर तीसरा है और इंपॉर्टेंट जो है वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रुचि नहीं होना, कोई भी बात में रुचि नहीं, ना काम करने में रुचि, ना कहीं जाने आने में रुचि, ना शादी या कोई समारोह में जाने में रुचि, कुछ भी मतलब इससे बात करने में रुचि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसको एक स्पेसिफिक टर्म है अनहेडोनिया। अनहेडोनिया मतलब ना उनको मूवी देखने के लिए उनको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई गप्पे मारेंगे, कोई घूमने चले जाएं, कुछ नहीं लगता उनको, ऐसा लगता कुछ ना करूं मैं, तो कंप्लीटली लॉस ऑफ इंटरेस्ट। फिर चौथा है नींद नहीं आना। ये लोगों को सवेरे जल्दी नींद खुल जाती है या रात को लेट तक नींद नहीं आती, या फिर बीच बीच में नींद खुलते जाती है, मतलब साउंड स्लीप नहीं आती, गहरी नींद नहीं आती। और ये जो मैंने मूड का बताया ना, तो ये मूड का सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और उठने के बाद में बिना कुछ वजह सुबह उनको ऐसा लगता है कि बहुत मैं दुखी हूं और उदास हूं, सुबह सुबह कोई कारण नहीं है, नींद से उठने के बाद में ऐसा लगता हूं कि भाई उदासीनता ज्यादा है। तो कुछ लोगों को नींद ज्यादा आती है, बहुत सोते हो, 7-8-8, 10-10 घंटे सो जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं और सोते ही रहेंगे दिन भर, मगर नींद नहीं आने का प्रमाण वाले लोग ज्यादा है। फिर नेक्स्ट है पांचवा, साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी मतलब हमारी हलचल, हमारे जो मूवमेंट है। तो कुछ लोगों को हमारे जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो चलेंगे, आराम से चलेंगे, आराम से बात करेंगे, उनकी क्रिया मतलब खाना भी खाएंगे तो बहुत टाइम लगाएंगे खाना खाने को, बोलना है तो बोलने का स्पीड एकदम कम है, बहुत आराम से बात करेंगे, और उनको ऐसा लगता है कि बहुत मतलब इतना उनका स्पीड कम हो गया, ऐसा लगता है कि भाई ये जल्दी जल्दी शब्द भी निकलते नहीं है।
तो जो हमारी एक्टिविटी है वो डाउन हो जाती है, या फिर कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा घबराहट और रेस्टलेस होती है, उसको बोलते हैं एजिटेटेड डिप्रेशन। वो क्या करेंगे, इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर जाएंगे, ऐसे घबराहट रहेंगे उनको, और कुछ बोलने की कोशिश करेंगे मगर बोलेंगे नहीं, और ऐसा बहुत ही रेस्टलेसनेस, घबराहट होती रहती है। तो साइकोमोटर एजिटेशन उनको होता है। फिर नेक्स्ट जो है छठवा, वो है एनर्जी, एनर्जी एनर्जी लेवल, उत्साह या ऊर्जा। तो बहुत ये लोगों में बहुत कम हो जाती है डिप्रेशन में, बहुत ही कम एनर्जी उनको, कोई काम करने में उत्साह नहीं, वीकनेस, थकान, टायर्डनेस। और फिर जैसा जैसा दिन बढ़ते जाता है, मतलब सुबह जल्दी उठने के बाद में, सुबह जल्दी नींद खुल जाती है, उसके बाद में उनको लो एनर्जी, वीकनेस, टायर्डनेस, उदासीनता। और जैसा जैसा दिन निकल जाता, आगे आगे बढ़ता है, तो शाम तक ये लोग अच्छे हो जाते हैं, हो सकते हैं या हो जाते हैं, और फिर शाम को थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, शाम को थोड़ी एनर्जी आ जाती है। तो एनर्जी बहुत कम रहती है, ताकत बहुत कम रहती है, टायर्डनेस, थकान, कुछ ना करते हुए भी ऐसा उनको लगता है कि उनके पूरा जूस उनका निकल गया, गहरे मतलब पूरे उनकी जूस ही निकाल दिया जैसा, कोई टायर्डनेस लगता है, बहुत टायर्ड, थकान लगती है उनको। तो ये होता है। फिर सातवां जो पॉइंट है, उनको लगता है गिल्ट। गिल्ट मतलब ऐसा लगता है कि मैंने बहुत, उनको लगता है कि मैं बहुत दोषी हूं, मैंने कोई अपराध किया हुआ है पास्ट में, अतीत में कुछ ना कुछ मैंने गलत काम किया हुआ है, वो मैंने नहीं करना चाहिए था, या उनको लगता है कि मैं कुछ काम का नहीं हूं, मैंने बहुत पाप किए हुए हैं, वैसा मैं तो कुछ काम का रहा ही नहीं हूं, ऐसा उनको लगता है। फिर उनको होपलेसनेस लगता है, मतलब कोई आशा नहीं लगती, फ्यूचर के बारे में सब निराशा रहती है उनको, कोई अच्छा होगा नहीं, मेरे बच्चों का एजुकेशन कैसा होगा पता नहीं, मुझे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, हमारे पास का पैसा निकल जाने वाला है, हमको बहुत गरीबी आने वाली है, ऐसा उनको लगते रहता है। होपलेसनेस और वर्थलेसनेस कि मैं कुछ काम का नहीं, मेरी कोई कीमत नहीं है। तो वो गिल्ट है, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, मैंने बहुत पाप किया उनको ऐसा लगता है। तो ये है सातवां। फिर आठवां जो है सिम्टम लक्षण जो है, वो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ख्याल नहीं रहना कोई काम में, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से फिर वो भूल जाते हैं, भुलक्कड़पना आ जाता है, कोई भी काम में एक चित्त नहीं रहता उनका, एक सरीका वो काम कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा काम हो गया कि वो विचलित हो जाते हो। तो फिर औरत रहे तो उनको खाना बनाना नहीं जमता, कुछ काम करना नहीं जमता, पुरुष रहे तो उसको काम में जाना, धंधे पानी में जाना, नौकरी करना, वो भी नहीं जमता, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ही होता नहीं और लक्ष्य विचलित हो जाता है। नौवां जो है वो है सेल्फ हार्म। सेल्फ हार्म या खुद को मतलब कुछ ना कुछ ये कर लेना, इंजुरी कर लेना, या उनको दिमाग में विचार आते कि सुसाइड कर लेना चाहिए, खुदकुशी कर लेना चाहिए। अभी आज मेरे पास में एक पेशेंट आई, उसकी उम्र करीब करीब 40 साल की है, उसके पिताजी को, डैडी को, उनको डिप्रेशन था और उनको मानसिक रोग के कारण ही उनकी उसमें कुछ ना कुछ बीमारी आ गई, उसमें डेथ हो गई। उसकी एक सिस्टर है बड़ी वाली, तो वो सिस्टर ने सुसाइड कर लिया, और अभी इसको लगता है कि भाई मैंने भी सुसाइड करना चाहिए। वो बार बार जाती है रेलवे ट्रैक के ऊपर और दौड़ना चालू कर देती है, और वहां जाके वो बोलती मेरे को सुसाइड ही करना है। उसको इतना डिप्रेशन आया हुआ है, उसको लगता है कि मेरी जो सिस्टर मर गई एक महीना पहले ही, तो उसने सुसाइड कर लिया, मगर उसका कारण मैं हूं ऐसा उसको लगता है। इसको भी डिप्रेशन आया हुआ है और वो सुसाइड करने के लिए मतलब तैयार है, उसको विचार बार बार आते रहते हैं। तो सुसाइड के विचार आते हैं, या खुद को कुछ तो भी ऐसा मतलब इंजुरी कर लेना, जख्म कर लेना, ऐसा उनको विचार आते हैं। ये जो है ये डिप्रेशन करीब करीब 6 से 9 महीने तक रहता है। आपने ट्रीटमेंट दिया तो जल्दी अच्छा हो जाएगा, ट्रीटमेंट नहीं दिया तो 6-9 महीने में अच्छा होने वाला है, मगर 9 महीने तक इतना उसको तकलीफ होती रहती है, और उसमें सुसाइड कर लिया तो और आफत। इसलिए वो व्यक्ति का ट्रीटमेंट होना जरूरी है, और ट्रीटमेंट यदि हुआ, एंटी डिप्रेशेंट ड्रग्स है, एंटी डिप्रेशेंट्स, अभी इतने आजकल अच्छे अच्छी दवाएँ निकली है, मेडिसिन, कि जो केमिकल लोचा डिप्रेशन में होता है, सेरोटोनिन लेवल्स, डोपामिन लेवल्स, नॉरएपिनेफ्रिन, ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स जो ब्रेन में कम हो जाती है और उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। तो अभी मेडिसिन ऐसी है कि वो बराबर लेवल फटाफट फटाफट जल्दी नॉर्मल हो जाती है और जल्दी अच्छा व्यक्ति हो जाता है। उसको कुछ कारण वजह मतलब कारण के वजह से मतलब कारण वशता होंगी, कोई कारण है उसकी वजह से डिप्रेशन आया होगा, तो वो कारण को दूर करना, काउंसिलिंग करना, हिप्नोथेरेपी करना, हिप्नोसिस करते हैं हम, और हिप्नोसिस में उसका काउंसिलिंग, हिप्नोसिस प्लस काउंसिलिंग होता है, उसको साइकोथेरेपी दी जाती है, तो ये सब ट्रीटमेंट से वो पूरा अच्छा हो सकता है।
क्या होता है कि डिप्रेशन अच्छा होने के बाद में तुरंत लोग दवाई बंद कर देते हैं, तो दवाई बंद ना करते हुए दवाई कम से कम 9 महीने से 12 महीने तक बाद में भी दवाई लेना चाहिए, ताकि रिलैप्स आने के चांसेस कम है। और रिलैप्स में जो आता ही है कभी, मतलब फिर से डिप्रेशन की बीमारी आती है, तो सतर्क होना जरूरी है। थोड़ी भी उदासीनता है, थोड़ा भी कोई नर्वसनेस आ गया, तो तुरंत डॉक्टर के पास में आना जरूरी है, यदि कभी भविष्य में ऐसा होता है। तो ये जानकारी मैंने दिया क्योंकि आपके आसपास में काफ़ी ऐसे लोग होंगे कि जो लो मूड है, डाउन है, नर्वस है, डिप्रेस्ड है, सैड है, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं। मैंने पहले बताया कि 5 से 17% लोगों को ये है, तो उनको जरूर ये वीडियो शेयर करो। आपके आसपास में लोग होंगे, उनको डॉक्टर की सलाह लेने के लिए बोलो, क्योंकि डिप्रेशन यदि ठीक हो गया उनका, और वो ठीक होता ही है इलाज किया तो वो नॉर्मल अपना जीवन जी सकेंगे। हमारा उद्देश्य है कि भाई नशा मुक्त भारत, व्यसन मुक्त भारत, और हर एक व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य हमारे देश में, तो उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, आपके फेसबुक के ग्रुप के ऊपर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।